السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرورنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله صلى الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي कौली زدني علما ناظرين मैं आपका फिर से खैर मकदम करता हूं आज के इस नशिस्त में जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने चंद की थी हमारे टॉपिक के मुताल जो है इस्लाम साइंस एंड मुस्लिम साइंटिस पिछले एपिसोड में चंद जो बातें हमने की वो सबसे पहले तो वो ये थी कि हम हमेशा कुरान मजीद को कभी भी साइंस के ज़रिए से नहीं परखेंगे कभी भी नहीं हम कुरान मजीद को अपना स्केल मानते हैं और कुरान मजीद में जैसे भी चीज़ें जो भी चीज़ें जो भी बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको हु बहू वैसे ही मानते हैं बग़ैर किसी तहरीफ के चाहे वो साइंस माने या ना माने ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था पिछले एपिसोड में हमने देखा था चंद बातें और भी हमने देखी थी किस तरीके से कुरान मजीद एक मोजा है उसी पर हम बात कर रहे थे फिर हमने देखा कि साइंस बहुत सारी चीज़ें नहीं मानती है जैसे राइगर मोटिस साइंस का कहना है कि इंसान के मरने के दो से तीन या मोस्ट प्रॉबली चार घंटे बाद राइगर मोटिस यानी जिसम में लाश जो है यह अकड़ना शुरू हो जाती है लेकिन अम्बिया के साथ अल्लाह के नबी फरमाते ऐसा नहीं होता है जैसे कि सलीमान सलाम के साथ हमने देखा उनके एग्जाम्पल हमने दिया सलाम का हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया कुरान मजीद से शौर बकरा सोलह नंबर दो आयत नंबर टू फिफ्टी नाइन में और याद रखिए राइगर मोटिस जो है ये कभी भी इंसान के मरने के बाद जो शुरू होता है अम्बिया के जिसमों पर नहीं होता है इंसानों पर होता है आम इंसानों पर अम्बिया के साथ नहीं होता ये है ये मोटिस चीज़ पर बरकर है तो राइगर मोटिस कभी भी जो शुरू होता है वो याद रखे वो पलकों से शुरू होता है हमेशा मरने के दो तीन घंटा बाद जिसमें जो अकड़ापन नुस्खा कढ़ना शुरू होता है वो यहाँ से इन पलकों से होता है आँखों से पलकों से इब्ने माजा किताबुल जनाइज की हदीस है उम्मे तो सलमा रदी कहती हैं कि अबू अबूसलम रदी लौन जब इंतकाल कर गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने देखा कि अबू अबूसलम रदी की आँखें खुली हुई थी लिहाजा आपने अबू अबूसलम रदी की आँखों को यूँ बंद किया क्यों आप देखिए अलहमदिल्ला अकबर अल्ला अल्लाह के नबी समय कि पता है कि रायगढ़ मोटी सबसे पहले आँखों से शुरू होती है आँखों के पलकों से शुरू होती है लिहाजा आपने आँखों को बंद किया इसलिए कभी भी कोई आदमी इंतकाल कर जाता है पहले काम जो लोग करते हैं आपने देखा भी होगा अक्सर वो क्या करते हैं आँखों को बंद करते हैं क्योंकि तो सही मुस्लिम कहदी से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह निकलती है तो आँखें रूह का पीछा करती है लिहाजा साइंस क्या कहती है कि राइगर मोटिस जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह पलकों से ये शुरू होती है ये बातें हमने देखी थी कुरान मजीद एक मौजज़ा है उस पर हम बात कर रहे थे मोजा के माने होता है अ लिविंग मरिकल जिसको हम मेरिकल कहते हैं मेरिकल याजजा उसके माने क्या होता है वैसी चीज़ जो इंसान नहीं कर सकता है इंसान उसके आगे आजिज़ हो इंसान अपने घुटने टेक दे हार मान जाए कि ऐसी चीज़ मैं नहीं ला सकता हूँ ये इंसान के परे है इंसान के हाथ में नहीं है इंसान के बस में नहीं है इंसान इसकी कोई नज़ीर पेश नहीं कर सकता है उसको हम कहते हैं मोजा कुरान मजीद एक मौजज़ा है इस पर हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में हमने साल सलाम की का एग्ज़ाम्पल लिया था कि जब उनके कौम ने ऊटनी का एग्ज़ाम्पल मांगा कि आप इस पहाड़ से ऊटनी निकाल करके दिखला दीजिए वैसी ऊटनी जो ज़िंदा हो और ऊटनी जो प्रेगनेंट हो अलहदिल्ला साल सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह सुबहान व ताली ने यह मुआज़ा साल सलाम के हाथों से करके दिखाया ये अलग बात है कि कौम के लोगों ने ईमान नहीं लेकर के आए कौम के लोग इस्लाम नहीं कबूल किए लेकिन उन्होंने मुआज़ा देखा उन्होंने माना इस बात को दिल में तस्लिमीम किया इस बात को कि ये बात हक है सालम जो कर रहे जो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह तै ने करके दिखाया वो हक है और अल्लाह इसी बात को सुर फसिलत, सराह नंबर फोर्टी वन के आहतम फिफ्टी थ्री में कहते हैं कि हम लोगों पर जाहिर करके रहेंगे कब तक जब तक वो ये ना मानने कि यही हक है अब यह अलग बात होगा कि वो हक़ को कबूल करे या ना कबूल करे जैसे साल सलाम के कौम के लोगों ने नहीं किया हम चलेंगे मूसा सलाम के कॉम की तरफ मूसा के कॉम में जो इल्म उरूज पर था तरक्की पर था टॉप पर था वो क्या था वो था जादू उस जमाने में जादू बिल्कुल उरूज पर था पीक पर था टॉप पर था जब मूसा सलाम को अल्लाह ताला ने तकुम दिया कि आप जाइए और फिरौन को एक अल्लाह की दावत दिए तो की दावत दीजिए तो मूसा सलाम जब फ़िरौन के पास आए और उन्हें एक अल्लाह की दावत दी तो फिरौन ने क्या कहा फिरौन ने कहा ये तो कोई जादू है ये शहर है इट्स अ मैजिक ये जादू है लिहाजा फिरौन ने कहा कि काम करो हम इस शहर के सबसे बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं जादूगरी के हम उनको बुलाएंगे और वो अपना जादू दिखाएंगे तुम जो कर रहे हो जो बतला रहे हो सब जादू है जरा देखते हैं मुकाबला करके आइए लिहाजा पूरी कौम के लोग जमा फिरौन भी है जो अपने आप को न रब आला, मैं रब हूं वो कहा करता था उस वक्त के सबसे माहरीन ऑफ द जादूगर मौजूद है और एक तरफ मूसा सलाम है अल्लाह अकबर मूसा सलाम के हाथ में असा है और जादूगर मौजूद है अब जादूगरों ने क्या फेंका रस्सी वो रस्सी क्या बन गई सांप फिर वो रस्सी सांप दिख रही है पूरे कौम के लोगों को वो सांप दिख रही है के मूसा को भी वो रस्सी क्या दिख रही है सांप दिख रही है मूसा डर भी गए डर फितरी डर था सबको सांप दिख रही है लेकिन जादूगरों को क्या दिख रहा है जादूगरों को रस्सी दिख रहा है क्यों वो रस्सी थी वो सांप नहीं था दरअसल ये तो जादू था जो उन जादूगरों ने लोगों के आंखों पर पर्दा डाल करके लोगों की आंखों को बांध दिया था और अब वो जो चाहते थे लोग वही देखते थे तो जरा गौर करिए जादूगरों ने फेंका रस्सी सबको वो सांप दिख रही है सिवाय जादूगरों के अब अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा हमने आपको एक मोजा दिया वो मुआजा असा है जरा इसको फेंकी आप मूसा सलाम ने उस मॉजे असा को फेंका क्या हुआ वो असा एक बड़ा सांप बन गया और उन सारे सांपों को निकल गया अल्लाह अकबर फिर क्या हुआ गौर करिए जरा पर वो सब के सब जादूगर है जो एक्सपर्ट्स थे जब जादूगरों ने रस्सी फेंकी थी तो वो रस्सी सांप बन गई सबको दिख रहा था वो सांप सिवाय जादूगरों को क्यों वो 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 जादू था थी रस्सी सांप नहीं बना था लेकिन जादू से जादू की वजह से उन्होंने नजरों को बांध दिया था हत्या के मूसा सलाम वो क्या दिख रही थी सांप लेकिन जब मूसा सलाम ने फेंका तो वो क्या बना वो असा बना सांप और ये जादूगरों को भी दिख रहा था लिहाजा जादूगर समझ गए हमने जो फेंका वो जादू था लेकिन मूसा ने जो किया है ये जादू नहीं है क्यों हम जानते हैं हम माहिरीन है। हम हैं वी आर द ऑफ मैजिक मैजिक जानते ये नहीं है जो हमने किया वो जादू था लेकिन जो मूसा ने किया वो जादू नहीं था लिहाजा वो सजदे में चले गए और उन्होंने क्या कहा हम ईमान लाते हैं किस पर मूसा और हारून के रब पर अल्लाह अकबर आप देखिए मुफसरीन कहते हैं जादूगरों ने यह क्यों कहा कि हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर सलातम वही उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम ईमान लाते हैं रब पर क्योंकि अगर वो ये कहते कि हम ईमान लाते हैं रब पर तो सारे के सारे लोग समझते क्या कि रब तो फिरौन है उनको वो रब कहते थे वो अपने आप को रब कहता था लेकिन उन्होंने इस बात को स्पेसिफाई किया कि हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर अल्लाह अकबर क्यों मौजजे को देखा समझ गए ये मौजजा है हक जाहिर हुआ हक को कबूल कर लिया देखिये सलाम के कौन के लोगों ने हक देखा देखा कबूल नहीं किया हम अन करीब दिखाएंगे लोगों को आफाक में उनकी नसों में हक को अपनी आयात को अपनी निशानियाँ को जब तक वो ये मान न ले कि यही हक है एक तरफ लोगों ने माना एक तरफ वो माहरीन वो एक्सपर्ट्स जो जादूगरी के थे उन्होंने जब देखा अलहमद लाला हक़ को कबूल कर लिया अल्लाह अकबर क्यों वो जादूगर समझ गए जो हमने किया था वो जादू जो मूसा इस्लम ने किया वो जादू नहीं है बल्कि वो अल्लाह की तरफ से एक मौजा है और जादूगरों ने उस मौजे के सामने अपने घुटने टेक दिए और कहा ये हमारे बस की बात नहीं है इसी को कहते हैं मौजा अलहमद कुरान मजीद भी एक मुआजा है और अल्लाह के नबी सन फरमाते हैं हर नबी को मुजजा दिया गया और जैसे ही जैसे जो नबी इस दुनिया से रुखसत हो जाते थे वो मुआजा भी उनके साथ चला जाता था लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे एक मुआजा दिया जिस मुआजे का नाम है कुरान मजीद अल्लाह के नबी व आज हमारे बीच नहीं है अल्लाह के नबी नबीम इस दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन वो मुआजा आज भी मौजूद है लिहाजा जो कौम जो लोग जो इंसान इस मुजे को पकड़ेगा इस मुजज़े को इस्तेमाल करेगा याद रखिए वो कभी भी इंसान गुमराह नहीं हो सकता है क्यों अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इस मुआजे को एक रस्सी कहा है इस रस्सी का एक छोड़ अल्लाह के हाथ में है और दूसरा छोड़ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लटका दिया है लिहाजा अल्लाह ने कहा अब जो कोई भी इस रस्सी के दूसरे छोड़ को पकड़ लेगा थाम लेगा वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता है और इसकी एक जीती जाती मिसाल हमें मिलती है साहब की जिंदगी में उन्होंने इस रस्सी के दूसरे सिरे को मजबूती से पकड़ लिया जिसका एक सिरा जिसका एक एंड अल्लाह के हाथ में आप सोचिए एक मिसाल यहाँ पर लीजिए एक आदमी मिसाल के तौर पर खाई में गिर जाता है स्लिप कर जाता है और गिरते ही गिरते वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है अब उसका एक भाई उस पहाड़ की तरफ आता है और उसके रस्सी लटकाता है जिसका एक छोड़ उसका भाई पकड़े हुआ है जो ताकतवर है मजबूत है और दूसरा छोड़ लटक रहा है वो आदमी क्या करेगा जाहिर सी बात है वो आदमी रस्सी के उस दूसरे एंड को रस्सी के उस दूसरे छोड़ को वो पकड़ेगा क्यों उसकी ज़िंदगी बच सकती है क्योंकि नहीं पकड़ेगा तो वह खाई में गिर जाएगा वह उसकी मौत हो जाएगी लिहाजा वो पकड़ेगा लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा होगा कि अगर वो रस्सी का दूसरा छोर पकड़ भी ले ये क्या गारंटी है कि ऊपर जो उसका खड़ा भाई है या उसका दोस्त है जो भी है वो या जो इंसान है कहीं ऐसा ना हो रस्सी को छोड़ दे फिर भी वो गिर जाएगा हो सकता है लेकिन उसको पकड़ेगा और उसका भाई उसको खींचेगा और अलहमद उसको मौत के मुंह से निकालेगा इन लेकिन अल्लाह सुबहानुआ के हाथ में जो रस्सी है एक सिरा अल्लाह के पास है दूसरा सिरा अल्लाह ने जमीन पर लटका दिया अल्लाह ने, ने फरमाया जो कोई इसको पकड़ लेगा मजबूती से वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता है और जिन्होंने पकड़ा कौमों ने देखा है दुनिया ने देखा है अल्लाह अकबर कि अल्लाह सुबहानुआ ने दुनिया को जलील करके उनके कदमों में लाके रख दिया मेरे भाईओ आज ये वक्त की अहम जरूरत है अल्लाह की कसम आप देखिए जहाँ पर मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बतलाया था यूरोपियन ने क्या कुछ नहीं किया सारे कारनामों को अपने नाम कर लिया असलाफ के हमारे कारनामों पर पर्दा डाल दिया सब कुछ किया आज पूरी दुनिया हम मुसलमानों को किस नज़र से देखती है इस नज़र से देखती है कि एक ऐसी कौम है जो आराम चाहती है जो ऐश वशरत चाहती है जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मॉडर्न इक्विपमेंट से इनको कोई ताल्लुक नहीं है मॉडर्न इल्म से मॉडर्न इजादात से इनका कोई वास्ता नहीं है ये पुरानी रिवायतों को अपने सीने से चिमटाए बैठे हैं आज हमें दुनिया इस से देखती है। हमारे असलाफों कार नामों को छिपा दिया गया सारी चीजें आज हमारे सामने हैं लेकिन क्या इस पर ना उम्मीदी करना सर पकड़ के बैठ जाना क्या आज मसले का हल है नहीं बल्कि मोमिन का तो यह सेवा भी नहीं है मोमिन कभी ना उम्मीद नहीं होता मोमिन हमेशा नासगार हालात को साजगार बनाता है मोमिन हमेशा परेशानियों को आसानियों में तब्दील करता है और तारीखी से उजाले का रास्ता निकालता है क्योंकि तो इस्लाम दरअसल तारीखी को मिटाने ही आया था आज मेरे भाइयों तारीखी जो कुफ्र बिदात की तारीखी है इस्लाम इसको मिटाने आया है आज तारीखी और इस्लाम के बीच जंग है मेरे भाइयों लिहाजा हमको इस रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़ना होगा और जब हम पकड़ेंगे इसको पढ़ेंगे इसको समझेंगे इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह पूरी दुनिया को हम ऐसी चीज दे सकते हैं तो दुनिया में कोई कोई कौम नहीं प्रोड्यूस कर सकती है आप देखिए साहबा इकराम ने यही काम किया था उन्होंने रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़ लिया था और अलहमदिल्ला बाकी क्या हुआ है रेस्ट इज हिस्ट्री हम सबको जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि सिर्फ दो डिकेट्स में यानी इन ए स्पैन ऑफ ट्वेंटी बीस साल के अंदर सबसे बड़ा दुनिया में तारीख में हिस्ट्री में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है जो रेवोल्यूशन हुआ है इज द इस्लामिक रेवोल्यूशन वो इस्लामिक रेवोल्यूशन है कि अरब की कैसी कौम जिनके अंदर हर बुराई मौजूद थी बिल्कुल जाहिल जपट उज्जट किस्म के लोग थे मोहम्मद रसूल आए उनके बीच और सिर्फ महज बीस से तेईस सालों में अल्लाह सुबहान उनको दुनिया की इकतदार दे दी जो लोग जिनको नौकर बनाना भी लोग मुनासिब नहीं समझते थे आज ये ऐसे लोग हैं अलहदुल्ला जिनके कदमों पर अल्लाह तला ने दुनिया को जलील करके ला करके रख दिया था उमर उदीरान के दौर में ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक इस्लाम फैल चुका था अल्लाह अकबर आधी जमीन पर इस्लाम का परचम लहराया था क्यों उस कौम को अल्लाह अकबर जो तो जिसके बारे में तारीख बतलाती है कि बिल्कुल उज्जड़ किस्म के लोग थे क्या क्या था उन्होंने उन्होंने इस रस्सी को पकड़ लिया था आज इस बात की जरूरत है कि हम भी इस रस्सी को पकड़े इस मौजिजा को पकड़े जिसका एक एंड अल्लाह के हाथ में और दूसरे एंड को अगर हम पकड़ लेंगे इनशाला तो कभी भी गुमराह हम नहीं होंगे देखिए अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया अरब के लोगों को ये कौन थे ये जो अरब के लोग थे इस मॉजिजे के तालुक से अल्लाह ताला तक ताला ने ने चैलेंज दिया कहा यह मौजिजा है कुरानी मजीद और अल्लाह ने कहा कि वाकई में आए अरब के लोगों तुम तो अपनी जबान पर बड़ा फख्र करते हो अपने आप को अरब और दूसरे को अजम कहते हो अजम माने गूंगा वो कहते थे हम अरब हैं बाकी सब अजम है अजम से मुराद कहने का मकसद क्या था उनका वो ये कहते थे कि हमें अपनी जबान पर इतना फक्र है हम अपनी जबान को इतना बेहतर जानते हैं इतना बेहतर वो अरबिक लैंग्वेज को जानते थे वो कहते थे कि दूसरे लोग हमारे सामने क्या बात करेंगे ये अजम है हम अरब हैं दूसरे हमारे सामने गूंगे हैं ये कुछ बात नहीं कर सकते हमारे सामने अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तो ये लोग हमने कुरान मजीद को इस मुआजे को अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पर नाजिन गया जो अरबी जबान में और कुरान मजीद है क्या कुरान मजीद अलिफ अली सैद का हरूफ का मजमु है अल्लाह ताला ने कहा कि तुम भी तो इन हरूफ को जानते हो अलिफ से ये तक जो सैदूफ है जो कुर मजीद में है जिनका यह मजमुआ है तुम भी इनसे वाकिफ़ हो तुम भी इनको जानते हो और तुम आप जानते हैं अरब में कहा जाता था कि अरब रेतीली जगह है और कहा जाता था रेत को उठाइए रेत के जितने दाने होंगे अरब में उतने ज्यादा उससे ज्यादा शोरा हुआ करते थे थे उससे ज्यादा पोएट्स हुआ करते थे अरब में में और उनके कलाम वो वो तासीर वो जादू थी कि जब वो कलाम पढ़ते थे तो एक कमजोर बुजदिल आदमी जो कभी लड़ नहीं सकता है वो उनके कलाम से इतना मुतासिर हो जाता था कि वो उठ करके जंग के मैदान में जाकर लड़ने को तैयार हो जाता था आप सोच सकते हैं कि उनके कलाम में क्या जादू था मक्के में जब उस जमाने में हज होता था तो ये लोग बाजार लगाते थे किस चीज़ का बाजार दुनियावी चीजों को बेचने के लिए नहीं बल्कि ये अपने कलाम अपने अशार को बेचते थे आसपास के कबीले के लोग आते थे और वो उनके अशार को सुनते थे ये कहते थे कि मैं ये अशार पेश करूंगा तुम मुझे इतने पैसे देना और उस पैसे से ना उनके पास जमींदारी थी ना बादशाहत थी उनके पास थी तो सिर्फ जबानदारी वो जबान जानते थे और उस आशार और कलाम को पढ़ करके वो साल का अपना खर्च निकाला करते थे मेरे भाइयों ये जादू ये तासीर उनके जबान में उनके लैंग्वेज में थी इतना फक्र करते थे वो और सिर्फ अरब के लोग ही नहीं बल्कि शोरा जब आपने आशार पढ़ते थे तो वो कहते थे ये आशार जिनों के आशार है यानी अरब के जो जिन थे वो भी आशार लिखते थे अल्ला अकबर अरब के जो जिन थे उनको भी अपनी जबान पर बड़ा फक्र था अल्लाह अकबर आप सोचिए कैसा माहौल रहा होगा उस जमाने में जबान का क्या उरूज है लैंग्वेज का क्या उरूज है इतना फक्र है और ऐसा जादू ऐसा तासीर उनके कलाम में अल्लाह सुबहान ने कहा ये लो ये मुदिजा हमने भेजा अपने नबी मोहम्मद पे अब अल्लाह ने उनको चैलेंज किया कि तुम कहते ना हो कि ये मुदिजा ये कुरान मजीद अल्लाह के नबी नबीम ने खुद गढ़ लिया है यह अल्लाह की तरफ से नहीं है अल्लाह ने तक कहा सूर्य कसस में सूर्य नंबर फोर्टी नाइन में कहा मोहम्मद इनसे कहिए कि ये Allah के तरफ से कोई ऐसी किताब लेकर के आए जो इस तौरात और कुरान से बेहतर हो आप उनको कहिए एक ऐसी किताब लाओ ना जो इस कुरान और तौरात उसको फॉलो कर सकूं तुम लेकर के तो आओ अल्लाह एक मजीद और चैलेंज दिया के सुरा की में। के काम करो तुम सब मिल जाओ तुम कहते हो ना ये जिन्हों की भी आशार है तुम तुम्हारे जिन भी आशार लिखा करते थे तुम्हें अपने आशार पे इतना फक्र है अपने जबान पे इतना फक्र है अल्लाह ने कहा काम करो तुम सब मिल जाओ जिन इंसान सब मिल जाओ और मिल करके इस कुरान की मिसल पेश करो मिसल भी पेश नहीं कर सके अल्लाह तला ने कहा सूर्य हूद में सूर्य नंबर ग्यारह की आयत नंबर तेरह में एक काम करो अरब के लोगों जो अपनी जबान पर इतना फक्र करते हो हमने तुम्हारी ही जबान में इस कुरने मजीद को नाजिल किया है ना चैलेंज है ये अल्लाह ताला कहते सूरह सुरहुद सूरह नंबर ग्यारह तेरह में दस सूरतें लेकर के आओ इस कुरान जैसी नहीं ला सके अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को और कम कर दिया एक सूरह इस कुरान जैसी लेकर के आओ अल्लाह अकबर आप गौर कर रहे हैं किस तरीके से ये चैलेंज जो है ये छोटा छोटा होता चले रहा उनके लिए पहले कहा गया इस कुरान जैसा कोई मिसल लेकर के आओ नहीं ला सके फिर कहा गया सूरह सुरहुद आयत नंबर तेरह में दस सूरतें लेकर के आओ नहीं ला सके फिर सूरह यूनुस आयत नंबर सैतीस अड़तीस में कहा गया एक सूरा लेकर के आओ नहीं ला सके अच्छा जरा गौर करके एक बात सोचिए जरा अच्छा समझिए ठंडे दिमाग से अगर हम सोचे ये जबान के माहरीन है ये ऐसा कलाम पढ़ते हैं कि बुजदिल से बुजदिल आदमी खड़ा होकर के जंग को तैयार हो जाता है अपने आप को अरब दूसरे को अजब यानी गूंगा कहने वाले ये ऐसी कौन ये मरने को तैयार है मारने को तैयार है खून बहाने को तैयार है सब कुछ करने को तैयार है लेकिन एक आयत लाने को तैयार नहीं है एक सूरा लाने को तैयार नहीं है और अजीब बात क्या है अल्लाह ताला एक मिसाल लीजिए एक आदमी है जो अरबी जबान पर महारत रखता है और उसको आप कहते हैं अगर कि ये लोग ये एक रेसलर है जो रेसलिंग करता है जो बहुत ताकतवर है जो लड़ता है तो लिहाजा तुम तो इसे लड़ो तो वो आदमी कहेगा कि अरे भाई ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है मैं तो एक शायर हूं मैं तो जबान पर महारत रखता हूं अगर तुम्हें मुकाबला कराना है तो इस रेसलर को क्यों लेकर के आ रहे हो इस पहलवान को क्यों लेकर कह रहे हो एक ऐसे आदमी को लाओ जो जबान में महारत रखता हो तब ना मुकाबला बराबरी का होगा अल्लाह तला ने क्या कहा ये लो ये कुरान मैंने तुम्हारी ज़बान में नाजिल किया है तुम इन हरूफ को पहचानते हो जानते हो एक सूरा लाओ नहीं ला सके दस सूरत लाओ नहीं ला सके इस जैसी मिस ले आओ नहीं ला सके अल्लाह ताला ने फिर कहा सुरे बकरा नंबर दो आयत नंबर तेईस और चौबीस में अल्लाह ताला ने कहा कि ए लोगो अगर तुम्हें शक है उस चीज पर जो हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम अपने सारे मददगारों को बुला लो अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम बुलाना चाहो इंसानों में से जिनों में से जिसको भी बुलाना चाहो बुला लो और इस कुरान जैसी मिसल लेकर के आओ इस जैसा कुछ मिलता जुलता भी लेकर के आओ वह इल्लम तफअल उलन तफलू और अगर ऐसा तुम ना कर सके और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे ऐसा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर तैयार हो जाओ फिर बचो उस आग से किस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे लिहाजा बचो तो अल्लाह ने कहा सबको बुला लो अल्लाह के अलावा अगर वाकई में तुम इस कुरान मजीद जैसी चीज़ ला सकते हो अभी देख के सारे के सारे मुश्किन मक्का उतबा बिन रबिया के पास गए यहतबा बिन रबिया कौन है यह अपने ज़माने का माहरीन पोट है जबान पर महारत रखने वाला और लोगों ने से कहा जाओ ये मोहम्मद जो कलाम पढ़ते हैं इसका जवाब दे के आओ देखिए ये मेरिकल है कुरान अल्हद मैंने आपको क्या बताया शुरू में ही मेरिकल के सामने इंसान आजिज आ जाता है घुटने टेक देता है इस जैसी चीज नहीं लाई जा सकती है लिहाजा वो आए उतबा बिन रबिया अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम कलाम पढ़ते हो उसका कलाम पढ़ना बंद कर दो हम तुम्हें मक्का के सबसे ऊंचा पोस्ट दे, दे देंगे मक्का में जिस लड़की से तुम चाहोगे उस लड़की से हम तुम्हारा निकाह करा कर देंगे तुम जो चाहोगे हम करेंगे तुम जितने पैसे मांगोगे हम दे देंगे आप सोचिए जबान का माहरीन ये बात कह रहा है मुकाबला वही था ना जबान वर्से जबान कलाम लाओ इस जैसा मुकाबला तो यही था लेकिन ये मोजिजा है वो घुटने टेक चुके थे वो लड़ने को तैयार हो गए थे मारने को तैयार हो गए कत्ल करने को तैयार हो गए कत्ल होने को तैयार हो गए लेकिन आसान सा था एक कलाम एक आयत लेकर के आओ नहीं ला सके अल्लाह के नबी सर फरमाया उनको हो गया तो अल्लाह के नबी ने सला नेंबर फोर्टी एक से तेरह पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही तेरवी आयत पे अल्लाह के नबी सर पहुंचे इस आयत में अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि एह मोहम्मद अब भी ये एराज करे अब भी ये इनकार करे और अब भी ये अगर अपने मुंह को फेर ले इस हक से तो इन्हें सुना दीजिए इन्हें वईद सुना दीजिए किस बात की वईद उस अजाब की जो हमने कौम आद और कौम समूद पर नाजिल की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरफीत सुरह नंबर 41 आयत नंबर 13 जैसे ही पढ़ी तिलावत की अल्लाह की कसम तुबा बिन रबिया पर ऐसी हैबत तारी हो गई ऐसी हैबत तारी हो गई कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने होटे मुबारक पर हाथ रख दिया और कहा बस बस अब नहीं अब नहीं इंशाल्लाह और मज़ीद बात इसके ताल्लुक से हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे क्योंकि इस एपिसोड का तो वक्त अब तो ख़त्म हो गया इनशा नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और कुरान एक मुआजा है एक लिविंग मेरिकल है इस पर इन गुफ्तु करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आज की साइंस कुरान से अलहमदिल्ला मैच करती है तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाम वरमि वबरक